नमस्कार, आप देख रहे हैं दासुगम। जी हाँ, पेश है राजस्थान प्रदेश की आज की दिन भर की 5 बड़ी और अहम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की दिन भर की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, विनय मिश्रा बोले राजस्थान में जनता लागू करेगी केजरीवाल मॉडल। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब केजरीवाल मॉडल को राजस्थान में जनता है वो लागू करेगी, क्योंकि बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाने में जो नाकाम है वो हो रही है। आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी है। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी राजस्थान में संगठन विस्तार पर जोर दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को देश की जनता पसंद कर रही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान वेदर अपडेट को लेकर है। बड़ी खबर आ चुकी है, बीते डेढ़ सप्ताह से चल रहा बारिश का दौर आज पूरी तरह से थमता नजर आया है। बारिश रुकने के साथ ही पारा तेजी से बढ़ने लगा है। सिरोही, जालौर, बांसवाड़ा समेत 6 जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 3 दिन तक इसी तरह गर्मी सताएगी। वहीं 27 जून के आसपास मानसून के एक्टिव होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने बताई है। अगली बड़ी खबर, आसमान में समकता, आग का गोला पाकिस्तान तक दिखाई दिया। साइंटिस्ट बोले आर्मी की मिसाइल थी। इधर सेना का दावा उल्काफिंड था। पश्चिमी राजस्थान के एक हिस्से में दिखाई दिया आग का गोला, अब भी रहस्य बना हुआ है। रहस्य इस बात का है कि ये मिसाइल थी या फिर खगोलीय घटना के तहत होने वाले उल्कापंड की पोषार। वैज्ञानिक और आर्मी इसे अलग अलग तर्क दे रहे हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया है, साइंटिस्ट ने कहा है कि ये आर्मी की मिसाइल थी, लेकिन इधर सेना का दावा है कि ये उल्कापिंड था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस में अब उम्र को लेकर सीढ़ी है वो सियासी बस। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में उम्र के तकाजे को लेकर बहस छिड़ गई है। दोनों ही दलों के नेता उम्र को लेकर पार्टियों की नीतियों के बीच से गलियां निकालते हुए एक दूसरे पर हमलावार हो रहे हैं। आलम ये है कि इन दिनों उम्र को लेकर नेताओं में बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियों के बुजुर्ग नेता उम्र को लेकर एक दूसरे पर हमलावार हो रहे हैं। इसके लिए पार्टियों की रीति नीतियों का भी हवाला दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी पावर पॉलिटिक्स से दूर नहीं होना चाहता है। इधर अगली बड़ी खबर, राजस्थान से गुजरात का सफर सिर्फ 5 घंटे में होगा पूरा, 8 जिले होंगे कनेक्ट, जंगल और नदियों से गुजरेगी ट्रेन। उदयपुर से अहमदाबाद तक का सफर करने वाले लोगों को अब इंतजार खत्म होने वाला है। राजस्थान में पहली बार झीलों की नगरी उदयपुर और गुजरात की राजधानी अहमदाबाद ब्रॉडगेज ट्रैक से जुड़ने जा रहा है। इस ट्रैक पर करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। माना जा रहा है कि जरूरी ट्रायल इसी महीने ही पूरा होने जाने से उम्मीद है। राजस्थान में नदियों, पहाड़ों और जंगलों के बीच से गुजरने वाली ये पहली बड़ी रेल लाइन जुलाई में शुरू हो सकती है। अगली बड़ी खबर, आरएएस को आईएएस और 2 आरपीएस को आईपीएस में मिलेगा प्रमोशन। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 5 अफसरों को आईएएस और पुलिस सेवा के 2 अफसरों को आईपीएस के रूप में प्रमोशन मिलेगा। इस संबंध में 24 जून को दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग में चयन समिति की अहम बैठक होगी। इस बैठक में अफसरों के चयन पर निर्णय किया जाएगा। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की दिन भर की 5 बड़ी खबरें। मिलते हैं बड़ी खबरों के